फ्रेंड, आज आपको बताएंगे कि उधम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में फुल स्टेप टू स्टेप बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ की वीडियो होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल में उधम रजिस्ट्रेशन लिखना है। उधम रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट लिंक आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो न्यू क्रिएट अकाउंट पे जो न्यू रजिस्टर पे लिखेगा न्यू रजिस्टर अकाउंट, उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो आधार नंबर है वो आधार नंबर इंटर करना है। जो उसके बाद जो आधार नंबर पर जो नाम है वो नाम इंटर करना है। नाम इंटर करने के बाद जो आधार में जो आपका नंबर लिंक होगा, अगर आधार में नंबर लिंक होगा तभी बनेगा, अगर नंबर लिंक नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो जैसे ही क्या सेंड OTP पे टिक कीजिएगा तो जो आधार नंबर पे जो OTP जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट का 4 डिजिट भी आपको शो कर देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्पीड में फुल स्टेप टू स्टेप बताएं। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ क्यूट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद थोड़ा सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लेगा, और वेरीफाई लेने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑलरेडी वेरीफाई यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोपराइटर सेलेक्ट करना है। प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या आगे क्या करना है, उसको यहाँ पे नीचे आपको वैलिडेट पे टिक करना है। वैलिडेट पे जैसे ही टिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जिस नाम से बनाना है या जिसके नाम से बनाना है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको नीचे टिक लगा करके आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पर पूरा पूरा फुल प्रोसेस करके बताएं, आपको बता दूँ बार बार। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या कुछ क्यूट होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा, जरूर आपको हम जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो प्रोपराइटर सेलेक्ट करिएगा, प्रोपराइटर सेलेक्ट करने के बाद आपको पैन कार्ड मांगेगा, तो अपने पैन कार्ड सही से लिखिएगा। उसके बाद आपको पूरा जो फॉर्म है उस फॉर्म को आपको सबसे पहले आपको सही से फिलअप करना है। उसके बाद आपको जैसे ही फिलअप कीजिएगा वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर देगा। आपको इंटर करना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपको ईमेल आईडी लिखना होगा। वो जो भी ईमेल आईडी लिखिएगा वो सही से लिखिएगा, ताकि बाद में आपको दिक्कत परेशानी न हो। क्योंकि आपको इसलिए दिया जाता है कि जैसे मान लीजिएगा इसको सर्टिफिकेट को लोड करना होगा या नंबर आप कहीं खो देते हैं तो आपको ईमेल पे ही आएगा। अगर ईमेल खोल देते हैं, भूल जाते हैं, खो जाते हैं कहीं पर, तो आपको नंबर पर OTP जाएगा। तो जो भी लिखिएगा सब सही से लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नाम लिखना है कि इसके नाम से बनाना है, कैसा बनाना है। तो मेरा जो है यूट्यूब के नाम से है, मैं यूट्यूब पे ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे मंडू शर्मा टेक्निकल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड यूनिट पे ऐड अमोर पर टिक करना है। ऐड अमोर पे इसलिए टिक करना है कि आपको अगर चाहते हैं एक या दो बनाने के लिए तो दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमको एक ही बनाना है। और आगे आने वाले में भी दो बना है इसमें, एक मंडू शर्मा टेक्निकल का नाम से, उसके बाद एक दूसरा है शर्मा कम्युनिकेशन के नाम से। तो सबसे पहले अभी मंटू शर्मा टेक्निकल के नाम से, और जो एड्रेस फिल करना है दोनों का आपको सेम एड्रेस फिल नहीं करना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको एड्रेस फिल करना है, तभी यहाँ पे ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, उसका जो आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक लिखना है कि आप कौन मंडल या ब्लॉक कहाँ पड़ता है। उसके बाद आपका जो गली है, आपको किस गली में दुकान है, शॉप है, और कहाँ पे है, टोटल आपको डिटेल लिखना होगा। डिटेल लिखने के बाद आपको ऐड अमोर पर टिक करना होगा। ऐड अमोर पर जैसे ही टिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको थोड़ा वेट करना होगा, मिनी सेकेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपको एड्रेस आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आगे क्या करना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले से बना कर रखे हैं, शर्मा कम्युनिकेशन से नाम से बना रहे हैं, और जो एड्रेस आपको लिखना है, आपको अगर यहाँ पे सेम एड्रेस लिखते हैं तो ये वैलिडेट नहीं होगा या आपको रिजेक्ट कर देगा। और कोशिश कीजिएगा जो भी आपको एड्रेस है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एड्रेस चेंज कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड नंबर पर टिक करना होगा। ऐड नंबर पर जैसे टिक कीजिएगा, ये आपका जो मंडू शर्मा टेक्निकल है उसका जगह पे एक और दो हो जाएगा, वहाँ पे शर्मा कम्युनिकेशन के नाम से हो जाएगा। यहाँ इसे सेव करेंगे, नीचे स्वाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों रेडी हो गए। और आपको दोनों का एड्रेस आपको सेम नहीं लिखना, डिफरेंट लिखना है, ताकि अगर दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद आपका जो एड्रेस है सेम आपको लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड दोनों आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट करना होगा दोनों पर आपको। और उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यसनों का टिक लगाना है, आपके पास GST है या कुछ भी ऐसा, आपको सब कुछ सब सही सही फिल करना है। अगर बिहार से रिलेटेड है तो बिहार से लिखना है, या आप जितना सर आपको इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आपको सब सही सही फिल करना होगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और उसके बाद इसमें ये लिखना है डेट जो है आपका जो बिजनेस है कब से चल रहा है, कब से स्टार्टिंग है, ये भी आपको डेट लिखना है। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा पुराना लिखने के लिए, जितना नंबर रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
यहाँ पे आप देख लीजिए कब का डेट हम डाल रहे हैं, और जो भी आप डेट डालिएगा वो सब सही से फिल करना होगा, और जो भी आपको जो फॉर्म है वो भी आपको सब सही से फिल करना होगा। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर इसलिए ऐड करना होगा ताकि आप कोई बैंक से अगर लोन वगैरह लेते हैं, अगर ये बैंक में अगर लोन वगैरह के लिए जाना पड़ता है या छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के लिए आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। उसको इससे बाहर अगर बिजनेस करते हैं तो आप उसके लिए आपको GST लेना होगा। ये समझिए कि स्मॉल बिजनेस के लिए है, MSME इसका जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो भी इसमें जो फिल कीजिएगा सब आपको इसमें सब सही से फिल करना होगा, अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका जो IFSC कोड है, IFSC कोड आपको सब सही फिल करना होगा। उसके बाद आपको क्या करते हैं, उसमें कोई सेवा करते हैं या कुछ बनाते हैं, तो अभी फ़िलहाल में हम सेवा करते हैं। इसमें आपको सब सर्विस सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ओके करना होगा, टिक करना होगा, मतलब उसको वहाँ पे मार्क लगाना होगा। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ यहाँ पे आपको NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे अगर कैफ़े चलाते हैं या कुछ मोबाइल से रिलेटेड कुछ बनाते हैं या कस्टमर सर्विस करते हैं, जिसे यहाँ पे लिखिएगा वहाँ पे NIC कोड वहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। तो जिससे रिलेटेड आपका शॉप होगा, आपका जो बिजनेस होगा वो सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको फिर से वहीं टू डिजिट NIC कोड लिखा हुआ, यहाँ पे फिर से आपको वहीं सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे बहुत सारे उससे रिलेटेड कोड आ जाएगा। तो आपको जिस कैटेगरी का शॉप है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो अदर पे टिक कीजिए। अदर पे टिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसको वहाँ पे सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट ऑटोमेटिक कीजिएगा, तीनों जो बॉक्स है नीचे वाला वो टोटली फिल हो जाएगा। उसके बाद ऐड एक्टिविटी पे टिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से स्वाइप डाउन करना। स्वाइप डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन भी फिल करना, और जो भी फिल कीजिएगा आपको इसमें सब सही से फिल करना होगा। उसमें आपको कितना आदमी काम करते हैं आप, उसके बाद में कितना को सैलरी है, कितना आप मंथली कमाते हैं, ये टोटल आपको इसमें फिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ऐड एक्टिविटी पे टिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी कंपनी में जो आपका शॉप है जो आप बनाते हैं वहाँ पे कितना लोग काम करते हैं भी आपको इसमें लिखना होगा, कितना लेडीज है कितना जेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा साल में कितना कमाते हैं, वो पूरा आपको डिटेल बाय डिटेल लिखना होगा। और जो भी आप फिल कीजिएगा उसमें सब सही से ही फिल कीजिएगा, गलत फिल करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी होगा। जैसे सब सही से ही फिल करने के बाद आपको यहाँ पे यस नो पे टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो जो भी आप टिक कीजिएगा वो सब इसमें आपको सब सही से फिल करना होगा, सब में आपको यस करना होगा। उसके बाद जब फाइनल OTP आएगा और ये आपको फाइनल OTP सेंड करना होगा, जो आपने जो मोबाइल में जो दिया था फर्स्ट टाइम वो नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे ही OTP इसमें फिल कीजिएगा और जैसे ही गेट OTP पे फिल कीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास OTP जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो दिया था उस पर OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद ये आपको फाइनल सबमिटन है, मतलब फाइनल सबमिट करना है इसको। OTP फिल करने के बाद आगे क्या प्रोसेस है, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या कुछ क्यूरी होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा दिलाते जो भी मेरा जो भी आपका जो कमेंट होगा उसको हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने उन दोस्तों और उन साथी के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन करना या उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना, दोनों सेम ही होता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी OTP सेंड करने के लिए ऑप्शन आ गया, तो OTP जैसे सेंड किए थे आप उस टाइम, तो यहाँ पे OTP आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसके जस्ट बगल में आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन आएगा। उसको रिफ्रेश करते हैं तो कैप्चा इसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट करना होगा, जैसे फाइनल सबमिट कीजिएगा पॉपअप मैसेज आएगा ओके करने का, ओके कीजिएगा या ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वेट करना होगा, ये वेरीफाई ले लेगा। अगर आपका नेट स्लो रहता है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, अगर नेट फास्ट है तो फास्टली होता है तो थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पूरा सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया और आपको उद्यम जो रजिस्ट्रेशन जो कोड है ID है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ओके करना है, और जैसे ओके कीजिएगा और उसको प्रिंट करने पे आप ओके कीजिएगा तो आपको फिर से री लॉगिन करने का ऑप्शन बताएगा। तो आपको लॉगिन कैसे करना है भी अब हमने आपको फुल इस वीडियो में बताया, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों और उन साथियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना और उद्यम
प्रिंट जो सर्टिफिकेट होता है कैसे किया जाता है, सेम अगर प्रिंट भी करते हैं सर्टिफिकेट तो सेम आपको वैसे ही लॉगिन करना होगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, जो आपका जो आईडी है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको प्रिंट पे जैसे ही ओपन कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली सेकेंड वेबसाइट खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, इस वीडियो में आपको अंत तक जरूर देखना होगा क्योंकि ये आपको अगर बीच में रिसीव करते हैं तो समझ नहीं पाइएगा। तो जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिकली तो सेकेंड वेबसाइट खुल जाएगा। तो जो आपने जो कॉपी किया था आईडी, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो आईडी होता है उसको जहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे फिर से पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपने जो जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी पर टिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी पर टिक कीजिएगा आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस नंबर पर ओटीपी चल जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका जो एक और सेकंड डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसी डैशबोर्ड में आपको प्रिंट करना होगा। और अगर ऐसे प्रिंट करते हैं तो आप एक या दो पेज में प्रिंट होगा तो वहाँ पे आपको कम से कम 3-4 पेज का प्रिंट करना पड़ता है। तो इसको जैसे प्रिंट पर टिक कीजिएगा, अब ऑलरेडी आप लॉगिन हो चुके हैं इसमें। और यहाँ पे एडिट करने का भी जस्ट ऑप्शन उसी के बगल में जस्ट एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा और प्रिंट करने का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, अभी गलत नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ऐसे आपको कैसे प्रिंट करना है भी हमने आपको इस वीडियो में बताया, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसे प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, एक और आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा और उसमें आपको कौन सा प्रिंट करना है ताकि टोटल आपको पेज आ जाएगा। ऐसे प्रिंट करते हैं दो पेज में आएगा। अगर जो सेकंड प्रिंट जो आता है उसमें आपको तीन को प्रिंट करने का ऑप्शन बताएगा, थ्री प्रिंट करने का ऑप्शन बताएगा। जो थर्ड देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आएगा, प्रिंट आ गया। अब प्रिंट आपको प्रिंट विथ और कुछ लिखा हुआ तो उसको ओपन करना, जो सर्च जो सेकंड में है उसको ओपन करने के बाद आपको जो टोटल हो जाएगा तो 3-4 में प्रिंट होता है वहाँ पर टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने बैंक में जमा भी करा सकते हैं ताकि आपको लोन वगैरह भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टेक के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।